हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फोटोग्राफी एंड टेक। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप किसी भी फ़ोटो से नॉइज़ जो है वो रिड्यूस करा सकते हैं और रिमूव करा सकते हैं नॉइज़ को। तो नॉइज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है अगर आप स्टॉक फ़ोटोग्राफी करते हैं, यानी कि फ़ोटो को आप सेल करते हैं या किसी भी वेबसाइट पर आप अपलोड करते हैं। तो रिजेक्शन का मेन जो रीज़न जो होता है वो नॉइज़ की वजह से फ़ोटो रिजेक्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उसे डील करेंगे, कैसे नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं किसी भी फ़ोटो से और वो अप्रूव्ड कैसे हो सकता है आपका इमेज। तो सबसे पहले आप कोई भी, जैसे किसी इमेज में नॉइज़ है तो उसको ओपन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ से ओपन करता हूँ एक फ़ोटो। ये कैमरा रॉ फिल्टर में ओपन हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा रॉ फिल्टर। और यहाँ से आप थर्ड टैब में जाएंगे, डिटेल्स टैब जिसको बोलते हैं, डिटेल्स टैब में जाएंगे। सबसे पहले मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ 100% पे, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि नॉइज़ इस इमेज में कितना है। ये आप देख सकते हैं नॉइज़ है जो भी चेहरे पे नज़र आ रहा है आपको। तो इसकी वजह से ये इमेज जो है, अगर इसी तरह मैं अपलोड कर दूँ तो ये अप्रूव होगा ही नहीं, क्योंकि नॉइज़ ज़्यादा है इसमें। तो इसको हटाएंगे कैसे, रिमूव कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको जाना है डिटेल्स टैब में, यहाँ पे थर्ड वाले टैब में। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं ल्यूमिनस, ल्यूमिनस को आप इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। और ल्यूमिनस होता है लाइट, यानी कि लाइट को इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे आपके अपने हिसाब से देख सकते हैं कि नॉइज़ यहाँ से रिड्यूस हो गया है, जैसे पहले दिखता था वैसे नहीं है। और इसको मिनिमाइज़ कर देंगे ल्यूमिनस डिटेल्स को, और कंट्रास्ट थोड़ा सा आगे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नॉइज़ जो है यहाँ से रिमूव हो चुका है। और ज़रा सा कलर को इंक्रीज़ करेंगे और कलर डिटेल्स को थोड़ा सा कम कर देंगे। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ से नॉइज़ जो है वो रिमूव हो गया और थोड़ा सा जो पिक्चर जो है वो साफ़ हो चुका है। ओके, इसको ओपन कर देते हैं फिर यहाँ पे। फिर यहाँ से ओपन करते हैं, फिर मैक्सिमाइज़ करते हैं 100% पे। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पहले से नॉइज़ जो है रिड्यूस हो चुका है। और यहाँ से फिल्टर में फिर जाएंगे और फिर यहाँ पे नॉइज़ पे जाएंगे और फिर से नॉइज़ रिड्यूस नॉइज़ पे जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और आपको ज़्यादा नॉइज़ रिड्यूस करना है तो स्ट्रेंथ जो होगा वो आपका ज़रा सा लो रखिएगा, ठीक है। इतना 8-9 एज़ आपका रिक्वायरमेंट जो है सभी हो आपके फ़ोटो के हिसाब से, ठीक है। और प्रिजर्व डिटेल्स जो होंगे वो थोड़ा सा कम होंगे, ठीक है। अगर डिटेल्स छुप गया तो फिर रिजेक्शन हो सकता है फ़ोटो का, तो इसीलिए इसको डिटेल्स को थोड़ा कम ही पे रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं रिड्यूस कलर नॉइज़। तो कलर नॉइज़ आपको देख सकते हैं कि आप या कोई भी कलर आ गया हो अलग से, जो भी कलर हो उसके अलावा अलग से कलर कोई, तो उसको यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा हाई रखेंगे, इसको लो रखेंगे, ठीक है। उसके बाद शार्पन डिटेल्स को थोड़ा सा कम ही रखेंगे, ओके। उसके बाद आपको बस यहाँ पे जाके ओके कर देना है, तो जो नॉइज़ होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। और आपका, उम्मीद करता हूँ कि आपका फ़ोटो जो है वो अप्रूव्ड हो जाएगा अगर आप किसी वेबसाइट पे आप फ़ोटो अपलोड करते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो अपलोड करने में या किसी भी रिजेक्शन की वजह से, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।